अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली आवान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द वे। ऑन द वे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं थल के रेगजार के अंदर, जो जहां पे मेले का जो समा था वो पैदा हुआ था और आज जो है चौथे रोज़ की जो रंगारंग तकरीबात हैं वो यहां पे इख्तिताम पज़ीर होने जा रही हैं, जहां पे जो शायकीन मेला हैं वो भी यहां पे कसीर तादाद में यहां पे उमड़ आए हैं और वो यहां पे इंजॉय करते दिखाई देते हैं। जहाँ पर जो तकरीबात जो अरूज पर पहुँची हैं वहीं जो है जो इख्तितामी लम्हात हैं वो भी जो है बिल्कुल करीब तर होते चले जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शायकीन मेला यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। नने, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पे मेले में आए हो, अभी क्या सूरत हाल है यहाँ की? यहाँ की जब से मैं आया हूँ एक गाड़ी देखी है, वो भी जीप रैली से आया हूँ, अब उसका इंतजार कर रहे हैं दूसरी कब आएगी। दूसरी कब आएगी? तो यार आज चौथा रोज है, जीप रैली का जो देखने वाला सामान था वो तो हो गया खत्म, अभी तो जो है उनकी जो किस्मत की जो बाजी थी उनका फैसला होना बाकी है। बाकी आप जो जीप रैली में जो पार्टिसिपेट करने वाले रेसर थे वो तो अब जो है मतलब वो साइड पे हैं, जिसने विन करना होगा साफ जाहिर है, अभी पोजीशन का जो है ना जहाँ पे उन्होंने वो करना है कि जो है ना जो अगर विन करेगा उसको जो है ना वो इनाम देंगे। तो अभी बाकी मेले की क्या सूरत हाल है? बाकी मेले के बस हम यही इंतजार कर रहे हैं कि अब वो कोई और शो लगे, कबड्डी लगे, हम देखें कबड्डी और फिर। अच्छा, जहाँ पे जो है ना वॉलीबॉल का मैच भी जो है वो भी जा रही है। और दूसरा ये, अगर आपको सर से पांव से देखूं तो उजड़े चमन की तरह से तूने शक्ल बनाई हुई है, क्या वजह है जो यहाँ पे रेगजार है उसकी ये वजह, या वहीं से ही ऐसे ही आया था? मैं अफसर बन के था और जा फकीर बन के जा रहा। वजह क्या है ऐसी? बस ये फिर कैसे बन गया रेत है। आप क्या समझते हो कि यहाँ पे आपके लिए स्पेशली जो है संगमरमर यहाँ पे लगवाया जाए? जी यही समझता हूँ। अच्छा, बाकी यहाँ पे जो है मतलब मज़ेदार करारेदार चटपटे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने हैं वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं, और साथ में जो जूस है अनार का जो जूस है वो 20 रुपये में अगर पर केजी के हिसाब से देखा जाए जो अनार है, तो वो जो है मतलब क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है, लेकिन 20 रुपये में जहाँ पर जो है ना अनार का जूस मिल रहा है, टेस्ट किया? जी किया, पर बहुत रंग दे रहे हैं, जूस तो नहीं दे रहे, वो अनार का जूस नहीं दे रहे, रंग दे रहे हैं। यार इतनी एज में तुझे कैसे पता चल गया कि वो जो है ना रंग दे रहे हैं? अनार का हमने जूस पिया है ना, वे ये तो रंग मिला के दे रहे हैं। अभी क्या पैगाम क्या देना चाहोगे? बस अब कुछ नहीं देना चाहे, अब शहजादे से फकीर बन के जाना वापसी जाने के मूड में है। जी ठीक हो गया। मजीद भी जो है शायकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अपना तारुफ करवाइएगा, कहाँ से जो है ना तशरीफ लेके आए हैं यहाँ पे? जी मेरा बेटा जी ये लाहौर पढ़ते हैं, सीए कर रहा है। ये मेरा बेटा मुल्तान, ये 10th का स्टूडेंट है, मैं मलिक तारिक एडवोकेट। मुझे बड़ी खुशी हुई है सर, ये इन्होंने जंगल में मंगल बना दिया है, इतने मतलब गए गुजरे इलाके बे रौनक इलाके को ऐसी रौनक बख्शी है ये इवेंट, कितनी जो है इसमें लोगों के लिए बिज़नेस के मौके हैं, एंटरटेनमेंट के मौके हैं, लोग काम कार करके थके हुए हैं, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ आपने देखी नहीं? सर आज जो है यहाँ पे आए हैं या प्रीवियस जो 3 रोज़ थे उन दौरान भी जो है ना आपने यहाँ का विजिट किया है? मैं एक्चुअली आज ही आया हूँ। सिटी आज ही है। हाँ। आज जो यहाँ पे तो फ्री हाथ का जो यहाँ पे सिलसिला है वो इख्तिताम पज़ीर होने लगा है, ये जो टीले हैं फिर से वैसे ही जो है रेतला अपना एक समा यहाँ पे पेश करते दिखाई दे रहे होंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो थल के बासी है, सरा के बासी हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? और दूसरी जानब आपने यहाँ पर जज किया, यहाँ के जो लोग हैं उनका रवैया क्या कहेंगे, क्या मतलब ऐसी सकाफत और रिवायत है उनमें? ये ना गवर्नमेंट, अब आप देखें कि इसराइल हमारे सामने इसी तरह रेतला टीलों वाला इलाका जनाब है, लेकिन उन्होंने सोलर एनर्जी और उन ज़राए के ज़रिए जनाब टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस इलाके को इतना डेवलप कर लिया है कि जनाब पूरी दुनिया के लिए अट्रैक्शन है, सबसे बड़े ब्रांड्स कंपनी हैं उनकी हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कितना बड़ा ये साथ, अब जैसे सोलर पैनल लगा है ऐसे कितने प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हो सकते हैं। मिल का यहाँ प्रोसेस था वो फेल हो गया, गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही जी। तो जितनी जो है कॉलोनियों में हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री को शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ सोलर पैनल्स के ज़रिए हम पूरे मुल्क की जो है लोड शेडिंग का जो हमारी जो है प्रॉब्लम चल रहा है उसका बेहतरीन सोल्यूशन है यहाँ। तो यहाँ पे जो खाने की चीज़ें यहाँ पे जो है उनमें से कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो बचपन में या भी? जी हाँ, ये देहाती लोग यहाँ थल के लोग यहाँ चना जो है यहाँ की बड़ी, और चने से ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं उसकी जनाब लिए बड़े लोग जो है उसको टेस्ट करते हैं, बड़ी पावरफुल चीज़ है। उसके अलावा ये हमारे जो है इस दफ़ा के जो MP साहब हैं उन्होंने बड़ा फैसिलिटेट किया लोगों को, पहले बहुत महंगा यहाँ पे ना
जो लोग आते थे एक एक बिरयानी वाले, एक आदमी बता रहा था 400 रुपया कि एक बिरयानी बिकती थी, यानी उस आदमी से कितना इन्होंने लिया। छोटे भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसैर हादी। कहाँ से आए हुए हो? मैं मुल्तान से। मुल्तान से यहाँ पे आए हुए हो? यार ये इसकी जो स्टार्टअप है वो तो जो है मतलब मुजफ्फरगढ़ से ही हुआ है, तो वहाँ क्यों नहीं पहुँचे आपने? यहाँ पे रेक जारों में आना क्यों मुनासिब समझा? क्योंकि यहाँ पर वैसे मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत अट्रैक्शन हुई। मैंने चाहा कि यहाँ पर आके पहली दफ़ा आया हूँ तो देख लूँगा एक बार अच्छी। यहाँ के जो बासी हैं क्या रवैया है उनका, मतलब यहाँ का जो तर्ज अमल है वो क्या सूरत हाल है यहाँ की? बहुत अच्छा है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है चलते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। यहीं के बासी हैं? और भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई लाहौर से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, ऐसी क्या वजह है कि जो है लाहौर से आप जो है ना यहाँ पे तशरीफ लाए और यहाँ पे जो है आपको जो मेले की जो रौनक है वो आपको यहाँ पे खींचे चले लेके आई है, क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? असल मुझे शौक था पहले यहाँ पे देखने का रैली, तो इसलिए आया था यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा यार यहाँ पे। अच्छा बेसिकली किस एरिया से हो? मैं मुल्तान से हूँ। बेसिकली मुल्तान से हो? अच्छा यार एक और चीज़ देखने को मिलती है, मतलब हमारे जो ये लोअर बेल्ट के जो लोग हैं साउथ पंजाब के, वो जब अपर साइड पे जाते हैं ना तो उन्हें कहा जाता है कि ना पेंडू। व्हाट आर रीज़न बिहाइंड दैट, ऐसा क्यों कहा जाता है? मुझे कोई जो है ना कोई अथेंटिक इसका जो है ना आपने आंसर देना है। यही है कि वो गाँव में रहते हैं एक दो और पंजाब सराइकी वगैरह और ये बोलते हैं। मीन्स कि मैं अभी समझूं कि हम चारों जो है ना गाँव के अंदर मौजूद हैं, ये थाली है ना, मतलब हम चारों पेंडू हुए फिर? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये अथेंटिक आपका जवाब तो ना हुआ? तो लहजे वगैरह कुछ इस तरह होता है ना, तो वो समझते हैं कि भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर। मीन्स कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो उसे पेंडू वहाँ पे समझा जाता है। तो आप जो है ना अगर इसको कवर करना चाहें तो कैसे कवर करेंगे, मतलब आप जो है ना इसे डिफेंड करना चाहें? आप भी तो लोअर बेल्ट से हैं, मुल्तान को अपर बेल्ट में तो इसका शुमार नहीं ना होता। बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, लेकिन क्या होता था कि हम लाहौरियों को पीछे लगा के रखते थे, ऐसी बात नहीं थी। सर जी ये हमारे पहनावे या ड्रेस की वजह से तो नहीं है? तो मतलब जो ही वो देखते हैं कि सलवार कमीज, वो कहते हैं कि भाई आ गया पेंडू। हाँ नहीं थोड़ा ये भी महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें तो वो भी यहीं की मखलूक है। हम तो जब पढ़ते थे जनाब उनको पीछे लगा के रखते थे लाहौरियों को। अभी लाहौरियों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हम पेंडू नहीं हैं या वाकई हैं? पेंडू चेंडू नहीं है, सबसे मोहब्बत करो, सारे मुख्तलिफ कल्चर हैं, मुख्तलिफ लहजे हैं, इनकी वजह से। अगर आपसे पूछा जाए कि लाहौरियों को कोई नाम दें तो क्या नाम देंगे? और लाहौरी भी बस जनाब अली ऐसे ही हैं, कोई इतनी चवल के चतरे 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 आप कह सकते हैं। जी नाज़रीन यहाँ पे जो आए हुए शायकीने मिले हैं वो जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन आपने जो है प्रोग्राम ऑन द वे के साथ यहाँ पे जुड़े रहना है और मज़ीद जो अपडेट है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इसी ही प्रोग्राम के तवसुस से। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे थल जीप रैली का जो मेले का समय है वहाँ पे मौजूद हैं, और आपको ये भी आगाह किया कि जो है यहाँ पे जो खाने के दीगर यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं, यहाँ पे जो बिरयानी है जिनमें पकौड़े समोसे और जो दिल को खींचने वाली दिल को मोहने वाली जो जलेबियाँ यहाँ पे रंगा रंग बनाई जाती हैं मेलों के अंदर, और जो लोग होते हैं वो जो है ना जलेबी को देख के खींचे चले आते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक जलेबी स्टॉल के मालिक मौजूद हैं जो कि यहाँ पे जलेबी बना रहे हैं और लोगों को जो है मीठी मीठी जलेबियाँ वो यहाँ पे पेश कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। भाई ये जो जलेबी है इसकी क्या खासियत होती है? इसकी खासियत जो हमारा इधर है ना तहसील जो बारा है या बरूनी मकसद इलाका है, इस तरीके से जो है बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को। वैसे भी यहाँ पर अगर खोए वाली चीज़ कोई भी बनी होती है उसको पसंद नहीं करेंगे, जलेबी इसकी खासियत इतनी है कि। अच्छा यार साला साल ये जलेबी भी बनती रहती है, लोग परचेज भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेले की जलेबी की ऐसी क्या खासियत होती है कि लोग आते हैं 5-5 किलो 10-10 किलो लेके चले जाते हैं? हाँ जी बस इस तरीके के हर किसी की खुशी होती है ना, कि मसलन मेला आता है पूरा साल की मसद हर इंसान को होती है कि साल कब आएगा वो दिन के हम जाएँगे मेले पर, तो हर किसी के बच्चे होते हैं, बच्चे के लिए 5 किलो 10 किलो यहाँ के सारे तकरीबन जिम्मेदार हैं। आज तक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जो है ना मतलब क्वांटिटी में आपने जलेबी सेल की है? आज के दिन में हमने तकरीबन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट नंबर है कि हमारी जो दुकान है बिल्कुल पहले नंबर पे है। मेरा कहने का मकसद यह है कि कितने किलो जो है ना कोई बंदा आपके पास आया ज़्यादा से ज़्यादा जो जलेबी है वो इस मेले के दौरान आपसे लेके गया है? ये तकरीबन आज वैसे तो पार्सल तो जाती रही है 10-10 किलो जाती रही है, 5 किलो जाती रही है,
और तकरीबन सारा अगर वज़न बना के करो तो बनता है तकरीबन 10 मन के करीब हो जाता है। यहाँ पे दूसरे भी भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई ये जलेबी बना रहे हैं, ज़रा एक मिनट एक बल जो है ना इसका और बनाइएगा, ज़रा हम भी देखें। हम बिल्कुल बना के देते हैं आपको, अगर गोल वाली फैसलाबाद वाली बनानी है वो भी बना देते हैं। अगर अच्छा, जलेबी बनाते हो कितना अर्सा हो गया? तकरीबन हमारा एक्सपीरियंस है 14 साल का। 14 साल का एक्सपीरियंस है। आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ पे जाना ज़बरदस्त किस्म की जलेबी तैयार करते हैं? इंशाल्लाह हम हर किस्म की मिठाई बना सकते हैं। और हम जलेबी के हवाले से जलेबी की बात जो है, जलेबी आपने कहा जो है ना 14 साल आपको हुए हैं जलेबी बनाते हुए, मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पे दिखा सकता है, ये जो जलेबी बनी हुई है आप क्या समझते हैं ये जलेबी बनी लग रही है? बिल्कुल जलेबी है यार, जलेबी ऐसे होती है और कैसी होती है। आज तक 14 साल में कभी सीधी जलेबी बनाई है? नहीं, सीधी जलेबी तो वैसे हर इंसान ऐसा ही कहता है सवाल जवाब में कि सीधी मजाक में कोई कर देते हैं कि सीधी जलेबी बनाओ यार, हमने सीधी जलेबी खानी है। लेकिन हमने सीधी जलेबी खानी है, बात है सीधी। अक्सर का कस्टमर यही बात कहते हैं कि हमने सीधी जलेबी खानी। आपने कहा कि जो है ना मेरा तजर्बा है 14 साल का, हम तभी मानेंगे जो है ना आप नामवर यहाँ पे जलेबी फरोश हैं, ठीक है? आपकी जलेबी जो है दमदार है, जायकेदार है। अगर आप सीधी जलेबी बना के दिखाएंगे, सीधी जलेबी हमें बना के खिलाएंगे तो जलेबी का नाम इसी के लिए रखा गया है कि जलेबी जो है ना ये गोल बनी जाती है हमेशा। अच्छा, ये जो इसमें खाम डालते हो तकरीबन कितने जो है इसमें खाम डालते हो, कोई अंदाजा है इसका? ये मुख्तलिफ मिसाले होते हैं, जो 3 मिसाले हैं यार, मैं खाम की बात कर रहा हूँ, पूछता कुछ आप बताते कुछ हो। यहाँ पे जाना मतलब ये इन्होंने जलेबी बनाई है, इन्होंने कोई उसका अंदाज ही नहीं रखा, जितना दिल करता है उसके खाम उसमें बना देते हैं। यार आप एक्सपीरियंसेबल बंदे हो, कम अज़ कम थोड़ा सा ख्याल रखो कि जाना उसमें कितने खाम डालने चाहिए। बस वो तो ये इस तरीके है कि काम के हिसाब किताब से है ना। भाई तुझे कितना अर्सा हुआ जलेबी बनाते हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं, मतलब तेरे से भी सीधी जलेबी नहीं बननी? नहीं बनती। लेकिन अगर बनानी पड़ जाए फिर बना लेता हूँ। अगर आपको कोई कहे कि जो है ना सीधी जलेबी बना के दो, तो ऐसे किस फर्द की जो है ना आप सिफारिश मानेंगे जिसके कहने पे जो है ना आप ये जलेबी बना देंगे, वो भी ऐसे वाली नहीं सीधे वाली जलेबी? सीधे वाले बनते नहीं यार हमारे पास। यार कोई ऐसा बंदा तो होगा। अगर सीधी वाली जलेबी जो है ना वो जिस तरीके जाट कहते हैं ना कि सीधी वाली जब बनाएंगे तो हल जिस तरीके हल तो आप खेत वाले इसके आपका कहना है कि आपने किसी के कहने पे जो है ना सीधे वाली जलेबी नहीं बनानी? नहीं, बनानी भी नहीं है और बनती भी नहीं है। मैरिड है? हाँ जी। नहीं, मैरिड बिल्कुल नहीं बनती। नहीं नहीं, मैंने कहा शादीशुदा हैं? हाँ जी, शादी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वहाँ से आर्डर आ जाए तो फिर? नहीं, वहाँ से भी आए तो नहीं बनती सीधी जलेबी। नहीं बनती कोई भी कह दे लेकिन नहीं बनती। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि भाई का बताना है कि उसे जो है ना 14 साल हो गया है यहाँ पे जलेबी बनाते हुए, तो उनका ये कहना है कि जो है ना कोशिश कर सकते हैं सीधी जलेबी बनाने के लिए, जो है ना आपको बना के दिखा सकते हैं। अभी जो है ना वो यहाँ पे सीधी जलेबी बनाएंगे और मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पे सीधी जलेबी बना के जो सीधी जलेबी बनाते हुए यहाँ पे दिखा सकता है। भाई हमें एक सीधी जलेबी बना के आप दिखाओ यहाँ पे। अभी जी दिखाएं ज़रा सीधी जलेबी, पता चले। नहीं बनती, सीधी तो नहीं बन सकती यार, वाकई ये जो है ना सीधी नहीं, और ट्राई करें। नहीं बन सकती भाई, ये देख सीधी तो बन भी नहीं सकती ना सीधी तो। भाई वाकई जो है ना, वाकई उनका एक्सपीरियंस है, या तो हमारे सवाल के अंदर थोड़ी सी कोताही है। जलेबी जो होती है वो मीठी और खमदार ही होती है, और वाकई जो है ना जो सीधी जलेबी है उसका यहाँ पर बनना वाकई नामुमकिन है। और यहाँ पर जो दिगर मदाह आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी के लिए जो है ना मुझे दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायती और सकाफ़ती जो टोपियाँ हैं वो यहाँ पे एक जो भाई है उसने स्टाल लगाया हुआ है, उससे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। वो जो है यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो रंगों की वाली जो टोपियाँ हैं वो जो है यहाँ पे सेल कर रहा है, उससे इस हवाले से बात करेंगे। भाई ये जो आपने कैप यहाँ पे सेल कर रहे हैं आप जो है ना, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की टोपियाँ, इनकी क्या खसूसियत क्या है और इनका रेट क्या है? इसका रेट सर, खसूसियत ये है, कोई होती है 100 रुपये में, कोई इस किलो अच्छी होती है 2500-3000। 100 वाली टोपी कौन सी है? ये 100 रुपए सेल लगी हुई है, सारी 100 रुपए में। ये जो अच्छे वाले पीस पड़े हैं ये है 500 रुपए का। यार है तो टोपी ना? नहीं, शायद शो में फर्क है सर जी। नहीं नहीं, है तो टोपी, है जो टोपी बिल्कुल। तो फिर मतलब क्वालिटी में क्या फर्क हुआ कि मतलब वो 500 की ये 100 की? सर ये बात है, एक कपड़ा है, एक 200 रुपए मीटर है, एक कपड़ा है 2500 रुपए मीटर है।
वो भी तो कपड़ा है। कितनी टोपियां यहाँ पे जो है ना जो थल के बासी है उन्हें आप दे चुके हो, सेल कर चुके हो? कम से कम 100 दाने दे चुके हैं आज के दिन में। आज के दिन। कितने दिन यहाँ पे स्टॉल लगाया है? दूसरा दिन। तकरीबन ओवरऑल कितनी सेल की है? तकरीबन 20,000 की। कितनी टोपियां हुई? 200 दाना। किन को दी? थल वाले लोग आए थे मेले पे, शुक्लिया पे तो लोग आए, ताज भी है वैसे हुआ, टोपी भी है, लेके जा रहे हैं। कंप्लीट बात करें ना कि मतलब ये टोपी आपने किन को दी है? जो दोस्त बाब आते हैं वो ही ले जाते हैं। चलो जबरदस्त हो गया, आप जो है यहाँ पे मतलब टोपियाँ वगैरह सेल कर रहे हैं, जो थल के यहाँ पे बासी हैं उन्होंने आपको, उनको जो है ना आपने ये टोपी वगैरह सेल की है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी ये टोपियाँ हैं और ये टोपी मैं आपको जो है ना आपकी है, आपको अमानत वापस कर रहा हूँ, आप अपनी टोपी अपने पास ही संभाल के रखें। सही बात है। ओके सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, ठीक हो गया जी। नाजरीन आप हम मौजूद थे यहाँ पे थल जीप रैली के अंदर। आज जो है जो रंगारंग तकरीबात का सिलसिला था वो यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हो चुका है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिवायती और सकाफती यहाँ पे जो स्टाल लगाए गए थे वो भी जो है आपको इस प्रोग्राम ऑन द वे के साथ हमने दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे जो दीगर आए हुए मदा थे उनके भी तासरात आपने जानने की कोशिश की और हमने आप तक जो है पहुँचाने की कोशिश की। उनके जो यहाँ पे चटखारेदार यहाँ पे जो बयानात थे वो भी जो है ऑन द वे प्रोग्राम के तवसत से आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन अपने होस्ट आमिर अली अवान को दीजिए इजाज़त। मेरे साथ इस वक्त जो कैमरा मैन मलिक मोहम्मद उमैर साहब वो जो है इस प्रोग्राम की ओवरऑल उन्होंने कवरेज की और इस प्रोग्राम को ऑन द वे के साथ जो है आप तक मुख्तलिफ जो यहाँ के थल के जो बासी थे उनका जो यहाँ पे पैगाम मात थे उनके जो चटकारेदार जो यहाँ पे बोल थे वो आप तक पहुँचे। और अभी जो है हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त, जहाँ पे जो रंगारंग तकरीबात थी वो भी इख्तिताम पज़ीर हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट किसी व्लॉग के साथ, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में होगा हाजिर। नाज़रीन अपने होस्ट आमिर अली अमान को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।